हे दोस्तों, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ है, यानी आपका खाया हुआ खाना अच्छे से नहीं पचता है या आपको टाइम पे नेचुरल कॉल नहीं आता है, तो आपको ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए जिसमें ज़्यादा फाइबर कंटेंट होता हो, क्योंकि फाइबर बॉडी में बॉवल मूवमेंट को इम्प्रूव करता है, जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। और आज के इस वीडियो में हम टॉप 30 फ्रूट्स के बारे में जानेंगे जिसमें 100 ग्राम क्वांटिटी में हाई फाइबर कंटेंट होता है, और वो भी रिवर्स ऑर्डर में, यानी पहले जिसमें कम फाइबर है उसके बारे में जानेंगे और लास्ट में जिसमें ज्यादा फाइबर कंटेंट होता है उसके बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 30 पे है ये, इसे हिंदी में तरबूज कहते हैं और इंग्लिश में वाटरमेलन कहते हैं। इसके 100 ग्राम क्वांटिटी में 0.4 ग्राम फाइबर होता है। नंबर 29 पे है मौसमी, जिसे इंग्लिश में स्वीट लाइम कहते हैं। इसमें 0.5 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है। नंबर 28 पे है गन्ना, जिसे इंग्लिश में शुगर केन कहते हैं। इसमें 0.56 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है। नंबर 27 पे है अंगूर, जिसे इंग्लिश में ग्रेप्स कहते हैं। इसमें 0.9 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है। नंबर 26 पे है खरबूजा, जिसे इंग्लिश में मस्क मेलन कहते हैं। इसमें 0.91 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है। नंबर 25 पे है आलू बुखारा या गुद्दा, जिसे इंग्लिश में प्लम कहते हैं। इसमें 0.92 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है। नंबर 24 पे है लीची, जिसे इंग्लिश में भी लीची ही कहते हैं। इसमें 1.3 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है। नंबर 23 पे है आडू, जिसे इंग्लिश में पीच कहते हैं। इसमें 1.5 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है। नंबर 22 पे है आम, जिसे इंग्लिश में मैंगो कहते हैं। इसमें 1.6 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है। नंबर 21 पे ग्लास मेवा, जिसे इंग्लिश में चेरी कहते हैं। इसमें 1.6 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है। नंबर 20 पे शहतूत, जिसे इंग्लिश में मलबेरी कहते हैं। इसमें 1.7 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है। नंबर 19 पे स्ट्रॉबेरी, जिसे इंग्लिश में भी स्ट्रॉबेरी ही कहते हैं। इसमें 2 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है। नंबर 18 पे अनानास, जिसे इंग्लिश में पाइनएप्पल कहते हैं। इसके 100 ग्राम क्वांटिटी में 2.3 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है। नंबर 17 पे है सेब, जिसे इंग्लिश में एप्पल कहते हैं। इसमें 2.4 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है। नंबर 16 पे है केला, जिसे इंग्लिश में बनाना कहते हैं। इसमें 2.6 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है। नंबर 15 पे है कटहल, जिसे इंग्लिश में जैक फ्रूट कहते हैं। इसमें 2.6 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है। नंबर 14 पे है पपीता, जिसे इंग्लिश में पपाया कहते हैं। इसमें भी 2.6 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है। नंबर 13 पे है संतरा, जिसे इंग्लिश में ऑरेंज कहते हैं, और इसमें 2.8 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है। नंबर 12 पे करम्बोला, जिसे इंग्लिश में स्टार फ्रूट कहते हैं। इसमें 2.8 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है। नंबर 11 पे है कीवी, जिसे इंग्लिश में भी कीवी ही कहते हैं, और इसमें 3 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है। नंबर 10 पे है नाशपाती, जिसे इंग्लिश में पेयर कहते हैं, और इसमें 3.1 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है। नंबर 9 पे है अनार, जिसे इंग्लिश में पोमेग्रेनेट कहते हैं, और इसमें 4 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है। नंबर 8 पे है आंवला, जिसे इंग्लिश में गूसबेरी कहते हैं। इसमें 4.3 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है। नंबर 7 पे सीताफल, जिसे इंग्लिश में कस्टर्ड एप्पल कहते हैं। इसमें 4.4 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है। नंबर 6 पे जामुन, जिसे इंग्लिश में ब्लैकबेरी कहते हैं। इसमें 5 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है। नंबर 5 पे चीकू, जिसे इंग्लिश में सपोटा या सपोडिला कहते हैं। इसमें 5.3 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है। नंबर 4 पे अमरूद, जिसे इंग्लिश में ग्वावा कहते हैं। इसमें 5.4 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है। नंबर 3 पे बेर, जिसे इंग्लिश में जुजुबे कहते हैं। इसमें 6 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है। नंबर 2 पे रसभरी, जिसे इंग्लिश में रास्पबेरी कहते हैं। इसमें 6.5 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है। और जो लास्ट फ्रूट है, जिसमें एक 100 ग्राम क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा फाइबर कंटेंट होता है, वो है ये। इसे हिंदी में एवोकेडो कहते हैं और इंग्लिश में भी एवोकेडो ही कहते हैं। इसमें 6.7 ग्राम फाइबर कंटेंट होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और कमेंट करके बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पर देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें चैनल संजय मीणा को, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।